title of the topic is virtual private network or vpn. sub objectives of the topic. Hain. after completing this topic, a student will be able to explain the benefits of using a virtual private network. the figures hai and jo material hai in this topic, they have been adapted from wendell Udom's book with the title computer networking, first step. encryption allows a computer टू अप्लाई ए मैथेमेटिकल फॉर्मूला टू द डेटा और इसकी आउटपुट क्या होती है जो मैथेमेटिकल फंक्शन आपने अप्लाई किया आ, आ, उसका जो डेटा है उसकी जो लुक है वो क्या है इट्स रेंडमली लोकेटेड बिट्स तो जो बिट्स हैं आपका जो डेटा है वो हाइड हो जाता है तो इंक्रिप्शन अलाउज़ ए कंप्यूटर टू अप्लाई ए मैथेमेटिकल फार्मूला टू द डाटा सेंडिंग द रिजल्ट ऑफ द मैथेमेटिकल फंक्शन ओवर द नेटवर्क तो हम जो डेटा था जिसको हमने क्या कर लिया रेंडमाइज कर लिया है उसको हमने आगे भेजना है द कंप्यूटर रिसीविंग द डेटा कैन देन रिक्रिएट द ओरिजिनल डेटा बाई डिक्रिप्टिंग द डेटा तो जो डेटा रिसीव receive किया रिसीवर ने उसके ऊपर क्या करता है वो डिक्रिप्शन का एलग्रदम अप्लाई करता है और उसको डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल डेटा को रिट्रीव uh, कर सकता है जब आपने डिक्रिप्ट uh, करना हो तो यू नीड ए सीक्रेट पासवर्ड इसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन की कहते हैं दीस डेज इट इज कॉमन फॉर द यूजर्स टू इंक्रिप्ट द डेटा बिफोर सेंडिंग इट ओवर द इंटरनेट तो ये क्वाइट कॉमन है दीज डेज इंस्टेड ऑफ इंस्टेड कॉलिंग इट इंक्रिप्शन इट इज कॉल्ड ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो जो पैकेट हैं दे डू गो अक्रॉस द इंटरनेट बट इट इज ऑल् इट स्टिल फिजिकल पब्लिक नेटवर्क लेकिन वीपीएन क्रिएट ए प्राइवेट नेटवर्क बट दे डू सो लॉजिकली और वर्चुअली तो जो पैकेट्स हैं अभी भी आपके इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं जो क्या है पब्लिकली पब्लिक नेटवर्क है लेकिन जो वीपीएन है एक ऐसा सी क्रिएट कर देता है कि आप समझते हो कि ये जो पब्लिक नेटवर्क है ये एक प्राइवेट नेटवर्क बन गया है सो लेट्स बारनी हु इज वर्किंग फॉर ए कंपनी द एंटरप्राइज नेटवर्क एट बार्णीज कंपनी इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है उसका एक अपना प्राइवेट नेटवर्क है विद ऑल देंट इंस्टॉल इन साइड द प्राइवेटली कंट्रोल ऑफिस स्पेस तो बानी की जो कंपनी है उसका जो नेटवर्क है वो प्राइवेट है और क्या है एक बिल्डिंग में लच से प्राइवेटली कंट्रोल ऑफिस स्पेस में लोकेटेड है और वानी क्या कर इंटरनेट को एक्सेस करता है इंटरनेट क्या है एक पब्लिक नेटवर्क है फॉर बाणी टू यूज़ द वीपीएन अगर अब बारी ने वीपीएन को यूज करना है ही मस्ट द पैकेट एज ही क्रिएट इट बी का कंप्यूटर जो ही एक पैकेट क्रिएट करता है उसको इंक्रिप्ट भी करे टू डू दिस बी नीड्स टू हैव ए वीपीएन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन हिज कंप्यूटर तो एक वीपीएन सॉफ्टवेयर होना चाहिए इन एडिशन टू दीसीपी आई पी मॉडल ही ऑल्सो नीड्स टू नो द इंक्रिप्शन की टू यूज ए वीपीएन डिवाइस इनसाइड द कॉर्पोरेट नेटवर्क इस कॉल्ड ए वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर जो क्या काम करता है इट डिक्रिप्ट पैकेट रिसीव फ्रॉम बारनी एंड अदर्स अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में बार्णी दिखाया गया है बार्णी का जो कंप्यूटर है टूवर्ड द बॉटम राइट हैंड साइड बार्णी ने एक आईपी पैकेट जनरेट किया उस आई पैकेट में आई हेडर है और डेटा है आई हेडर के अंदर डेस्टिनेशन आई एड्रेस है और ये किसका डेस्टिनेशन आई एड्रेस है उस वेब सर्वर का जो ऊपर दिखाया गया है उस वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो पहले स्टेप में क्या करता है अगर वो वीपीएन तो क्या होगा इस न्यू आई पी करेगा और इंक्रिप्टेड ओरिजिनल पैकेट तो जो ओरिजिनल पैकेट था उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया था उसके साथ क्या ऐड कर दिया जाएगा एक नया आईपीडर ऐड कर दिया जाएगा ये आईपी हैडर किसका है ये वीपीएन के कॉन्सेंट्रेटर का आईपी एड्रेस है जिसको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो सेकंड स्टेप में जो न्यू आईपी हेडर है और इंक्रिप्टेड ओरिजिनल पैकेट है इसको इंटरनेट के ऊपर जो पब्लिक नेटवर्क हैंड ओवर कर दिया जाता है थर्ड स्टेप में क्या हुआ एक राउटर से दूसरे राउटर से और इवेंचुअली वो कहाँ पर पहुँचेगा वो वीपीएन पी कॉन्सेंट्रेटर के पास पहुंच जाएगा अब ये जो वीपीएन पी कॉन्सेंट्रेटर है वो क्या काम करेगा उसके पास जो पैकेट आया न्यू आई पी हैडर इनक्रिप्टिड औरिजिनल पैकेट तो जो इंटरनेट था उसने न्यू आई पी हैडर के साथ यूज किया और राउटिंग करके एवेंचुअली वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर के पास पहुँचा दिया ये मशीन क्या करेगी इस न्यू आई पी हैडर में से इनक्रिप्टेड औरिजिनल पैकेट को क्या करेगा लेगा उसे डिक्रिप्शन एलग्रदम में से पास करेगा और डिक्रिप्शन एलग्रदम का आउटपुट क्या है आपके पास आई पी हैडर भी आ गया आपके पास डेटा भी आ गया तो ये जो वी पी एन कॉन्सेंट्रेटर है ये फिर क्या करता है उस आईपी हेडर में मौजूद डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को यूज करते हुए वेब सर्वर के साथ उसको हैंड ओवर कर देता है जो इस लैंड के ऊपर अवेलेबल है इस टॉपिक में हम लोगों ने जो वीपीएन जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड किया विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल